साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भावी प्रत्याशी जनता के बीच अपना पक्ष रख रहे हैं और अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में निकाय चुनाव की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के अयोध्या दास वार्ड संख्या 2 में पहुंची, जहां पर जनता से वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। भारत को चुनावों का देश कहा जाता है। भारत देश में हर साल देश के कोने में कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिजुल बज चुका है। नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम इस समय राजधानी लखनऊ के अयोध्या दास वार्ड 2 में आ चुकी है। ये चौराहा जो है वो बड़ी पकरिया का चौराहा है। आज इस वार्ड के जनता से जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। इस वार्ड के विकास की कहानी सीधे आपको बताएंगे जनता की जुबानी। जैसा ये बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ, यहीं के। क्या नाम है आपका? साकिर अली। ये बताइए कि कितना विकास हुआ इस वार्ड में? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, विकास देख लीजिए, ये रोड ऐसे पड़ी है। क्या कुछ समस्याएं हैं? गलियां पड़ी हैं, तो कुछ गलियां बनी हैं, कुछ नहीं बनी हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की? समस्याएं तो बहुत हैं और नहीं भी हैं। जैसे यहाँ पे ये खुल के बात कीजिए अपनी समस्याओं में। ये बताइए कि अब प्रदेश में डेंगू फैला हुआ था, राजधानी लखनऊ भी डेंगू से त्रस्त था, तो फॉगिंग के लिए, छिड़काव के लिए, दवाइयाँ वगैरह छिड़काव के लिए कोई टीम आई थी यहाँ पे? हाँ, यहाँ डेंगू फैला हुआ है। ये अली नगर और फजुल्लागंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई खास उपचार नहीं हुआ, कोई आया नहीं। आप अपने वार्ड के बारे में बताइए, यहाँ पे फॉगिंग यहाँ नहीं हुआ? एंटी लार्वा छिड़काव कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सफाई भी सही ढंग से नहीं होती, सफाई भी नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की क्या स्थिति है? नालियाँ आप देख रहे हैं, सब बचबचा रहे हैं, कोई सफाई नहीं होती। नाले हैं, कहीं महीने दो महीने में एक बार कोई आता है तो आता है, नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। इस तरह से हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो पकड़िया चौराहा है, आप जो है इस चौराहे, ये जो तिराहे की ये जो सड़क को दिखाइए, किस तरह से ये जो है सड़कों की दुर्दशा है। अभी अभी एक बाइक सवार जो है इससे जाते हुए गिर पड़ा था। ये पूरी अवस्थाएं को मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इसको दिखाएं। बगल में नाला पड़ा हुआ है जो कि कूड़ा और करकट के ढेर से भरा हुआ है। इस सारी अवस्थाएं को दिखाया जाए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इसको अच्छे से कवर करें। किस प्रकार से ये तिराहे की स्थिति जो है वो काफ़ी बदतर है, इस नालियों की स्थिति जो काफ़ी बदतर है, पूरी तरीके से इसको कवर करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस नालों में जो है वो कूड़ा कचरा जो जमा हुआ है, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। अब हम यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। भाई, क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की? सर, यहाँ तो बहुत खराब गंदगी रहती है। कभी आज तक का, हमने 2 साल हमको मेडिकल पे बैठे होते जाइएगा, आज तक का नाला कभी साफ नहीं देखा। एक दिन साफ होगा, दूसरे दिन फिर गंदा। एरिया के सारे जितने भी कूड़े सिर्फ इसी नाले में आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। और क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं? यहाँ तो सफाई रहती नहीं है, और क्या नाम है, नाला हमेशा ख़राब रहता है। टेम्परेरी बन जाता है, फिर 2-4 दिन बाद फिर ख़राब हो जाता है। अभी कल आए थे वो 2-4 लोग, वो ईटा डाल के गए हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर ख़राब होगा। सफाई के लिए कोई टीम आती है आप लोग की शिकायतों के बाद? कोई नहीं, यहाँ सफाई कोई नहीं, कोई नहीं। ये बताइए, आप 2 साल से यहाँ दुकान अपना कर रहे हैं? हमारी तो मेडिकल 10 साल से, 10 साल से हम बैठ रहे हैं 2 साल से। अच्छा, 10 साल से आपका यहाँ पे इस चौराहे पे दुकान है। जी। तो ये बताइए, 10 साल में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के स्थानीय पार्षद कौन है? मंसू सभासद है। कुमकुम है। अच्छा, इस वार्ड की? ये बताइए, वो कभी जनता के बीच जाती है अपनी समस्याओं? नहीं, कभी कभी नहीं। आपने देखा उन्हें? आज तक का नहीं देखा है, नाम सुना है, नाम बस सुना है। आई नहीं। अगर आपके सामने आया तो आप पहचानेंगे? जब आई नहीं है तो कहाँ से देख पाएंगे भाई? अच्छा, नाम से पहचान पाएंगे, अगर आएंगे तो जान जाएंगे। फॉगिंग वगैरह यहाँ पे होती है? एंटी लार्वा छिड़काव वगैरह बस टेम्परेरी वाला है। हाँ। 2 मिनट डालेंगे, फिर वो भी हल्का से डाल के निकल जाएंगे। 2-4 कदम डालेंगे फिर बंद करेंगे, 2-4 कदम डालेंगे फिर बंद कर देंगे, यही होता है यहाँ पे। इस समय हम अयोध्या दास वार्ड के 2
पकड़िया चौराहा के अंदर गली में है आप, इस अली नगर इलाका लगता है ये आप इसको देख सकते हैं, जो पिच है किस तरीके से उबड़ खाबड़ पिच है, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, नालियाँ जो हैं कितनी गंदी पड़ी हुई हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप जो है इस नालियों को दिखाए, कितनी गंदी नालियाँ हैं, कितनी गंदी जो है नालियाँ हैं, बजबजा रही हैं नालियाँ, और कितना जर्जर ये सड़क है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ के कुछ लोगों से, जो जनता से यहाँ से बात करते हैं कि ये इस पूरी समस्याओं पे हम बात करेंगे। जी, क्या कुछ समस्याएं इस वार्ड की, जैसे हमने देखा ये पिच जो है ख़राब है, काफ़ी समय से लोग बता रहे खराब है, नालियाँ बजबजा रही हैं, इसके अलावा और कौन सी समस्या है? इसके अलावा ये है कि जमादार को जब नगर निगम में कॉल करता हूँ मैं, तो जमादार बोलते हैं कि नगर निगम से कहते हैं तुम्हारी कॉल वो वेट कर ली गई, तुम्हारा कंप्लेंट लिख ली गई है, और हफ्ता भर के बाद कहीं सफाई के लिए आते हैं, जब तक के लोगों का बुरा हाल हो जाता है। ये सड़क के बारे में बताइए कब, और सड़क ये 2017 तो क्या 2012 से पहले ही नहीं बनी, जब आज से कुछ साल पहले जब RCC पड़ी थी इस वार्डों में तब तक के बनी थी, उसके बाद में RCC हो गई खराब बारिश से, और उसके बाद में कभी टाइल्स पड़ने का नंबर ही नहीं आया। और तीन वार्ड ऐसे हैं जो एक तीन गली ऐसी हैं, हमारी गली है जो कॉर्नर की ये, और एक मस्जिद वाली गली, जहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि हमारी गली मत बनो, हमारे लोग जो मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो पानी में इतना पैर डुबो के जाते हैं, वो नापाक होते हैं मस्जिद में जाने से, तो हमारे मस्जिद में नमाज नहीं होती है जब लोग नापाक हो जाते हैं, तो हमारा कहने मतलब हमारी गली मत बनाओ, मस्जिद की गली बनवाओ, तो जहाँ पे जो अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, वहाँ बनवाइए उसको रोड को। ये बताइए कि जब आपने अपनी समस्याओं को यहाँ के स्थानीय पार्षद के सामने रखा, मैंने पार्षद को रखा, पार्षद ने आया, पार्षद बनवाने के लिए गली आया, लेकिन गली में जब आप उसके न्यू से ज़्यादा गड्ढा गली के अंदर आप नाली का खोदेंगे तो उसकी न्यू तो पूरी ढह जाएगी। तो भाई मकान वाला कोई भी होगा तो यही कहेगा। बताइए कि जैसे लखनऊ में डेंगू का कहर बहुत था, बहुत, तो यहाँ पे फॉगिंग होगी क्या व्यवस्था? कोई नहीं अभी तक के कोई फॉगिंग करने वाला कोई आया ही नहीं यहाँ पे, गली के अंदर कोई नहीं आया, रोड पे कभी कदार महीने में एक बार दो बार आए, उसके अलावा कोई नहीं आया इस गली के अंदर। मैं खुद देखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दोपहर को 12 बजे अपने घर आता हूँ मैं काम पर से, उसके बाद मैं सारा दिन मैं घर ही पर रहता हूँ, और इस रोड की इस एरिया की पूरी सर्वे मैं खुद करता हूँ, देखता हूँ, घूमता हूँ कहाँ पे क्या समस्या है, लेकिन मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। भाई ये बताइए कि और जिन्होंने इतनी समस्याएं उन्होंने भाई साहब ने बताई, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? सच्चाई तो आपको दिख ही रही, खुद आप खुद देख रहे हैं। ये समस्याएं हैं, ये बताइए कूड़े उड़े की व्यवस्था है? कूड़े की भी व्यवस्था है भाई यहाँ पे, अब देख रहे हैं आप नाली बात, देखी हाल देखिए नालियों को, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं? अब एक दो दिन आ गए तो बात बहुत ठीक है, देख रहे खुद आप, देखिए आप तो देख रहे हैं, वीडियो बना सकते हैं यहाँ पे देख के, खुद पता चल जाएगा क्या हाल है, क्या हाल है। और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की जनता की? मुख्य समस्याएं जल की व्यवस्था कहती है, पेयजल की व्यवस्था कहती है यहाँ पे? अभी तो खैर सभी कुछ जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं वैसी माहौल है, बस तरीके का हो जाएगा, हो जाएगा। पिछले पाँच सालों में क्या कुछ विकास हुआ है इस वार्ड के लिए, इस वार्ड की जनता के लिए? आप देखिए खुद, आप देखिए खुद, समाधान दिखाइए भैया, भाई हैं ये सब बता रहे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, महल्ले में रह रहे हैं लोग, इतने इतने महल्ले में सब खड़े हैं, हर जगह का पानी की समस्या है। फॉगिंग के लिए आए थे लोग छिड़काव करने के लिए? नहीं कोई नहीं आया था। शिकायत के बाद भी लोग नहीं आए थे? कोई नहीं। तो यहाँ की पार्षद जी हैं, ये बताइए कि वो जनता की समस्याओं को सुनती हैं, क्षेत्र में कभी आती हैं? हाँ सुनती तो हैं। नहीं आती हैं। मैंने नहीं देखा उनको 2017 से अभी तक के, मैंने देखा ही नहीं। अम्मा ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस बार की जनता की और आपकी? ये क्या गंदगी पड़ी पड़ी है, मच्छर काट हैं, बीमार पड़े हैं भैया 6 महीने से, हमारी तबीयत खराब है। मच्छर भगाने वाली, धुआं भगाने वाली मशीन आती है? वो आती है, मट्टी तेल छोड़ के चली जाती है, एक चक्कर आई है जब से एक हफ्ते में कितनी बार आई है? एक को चक्कर नहीं है, एक चक्कर आई है, महीने में एक दो बार आती है बस, वो भी आप पहली चक्कर आई है, मट्टी तेल छोड़ी सब गंधाएगा वह पूरा गली। और ये बताइए ये रास्ता कब से खराब पड़ा हुआ? अरे बहुत दिन से पड़ा भैया, कई साल हो गए। आप ये दिखाइए मेरे गली के दीवार में पानी लग रहा है, सारा मच्छर अंदर जा रहा, समझो इतना पानी है, मेरा सारा सामान खराब हो गया,
तो बताओ हम गरीब आदमी में इतनी जल्दी कहाँ बने, मेरी लड़कियाँ जवान जवान लड़की हैं। नई गाड़ी आती जब ज़्यादा कूड़ा होता है वो भी जमादारे ना आती, ऊपर ऊपर बटोरती नाली अंदर पानी भरा और मिट्टी भरी, उसको जब मिट्टी नहीं निकालोगी तो तुम पानी कहाँ पास होगा, वैसे भरा पड़ा है। चाची ये बताइए क्या कुछ समस्या है आप? बहुत समस्याएं हैं, देखिए रोड देख लिए नाली भरी हुई, सारे कीड़े अंदर जाते हैं, सब बुखार फैला हुआ, सब बीमार पड़े हुए हैं, लैटरीन घर में भर जाती, जब पानी भर जाता सब लैटरीन अंदर जाती, इस समस्या तो है। अच्छा ये बताइए कूड़ा उठाने के लिए मतलब गाड़ियाँ वाड़ी आती है कूड़ा उठाने? कूड़ा उठाने के लिए तो आती है मगर कूड़ा तो ले जाती तो पैसे लेती हर महीने, और जो झाड़ू लगाने वाली आती ला 10 रुपये ला 20 रुपये, दूसरे पांचवे छठे दिन ऐसे आती झाड़ू लगाने, मतलब रोज नहीं आते, रोज थोड़ी कोई नहीं आता रोज। अच्छा ये बताइए कि पूरे प्रदेश में डेंगू का सख्त कहर था जी, तो यहाँ भी डेंगू के मरीज मिले? बहुत मरीज हैं। तो दवाइयाँ का छिड़काव या फिर धुआं? कुछ भी नहीं ना, दवा कुछ भी नहीं छिड़की जा रही, कुछ नहीं छिड़की जा रही, नहीं कुछ नहीं। ये बताइए जब आप लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ के पार्षद से कहा तो उन्होंने आप लोग की बात सुनी? वो सुनती ही नहीं है। कभी आती हैं? कभी कभी नहीं आती हैं। कभी नहीं आती? कभी नहीं। और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की? भाई यही है समस्या और क्या है। ये जो सड़क हम देख रहे हैं काफी जो है बदहाल अवस्था में है, बहुत कितने सालों से ये सड़क ऐसी? ये बहुत साल हो गए, कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल सड़क ऐसे ही बनी है इसी तरीके से जी। चाची ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की जनता की? समस्याएं तो बहुत सी हैं, यहाँ कूड़ा पड़ता है, इंसान बीमार होते हैं, बारिश का पानी भर जाता है, गंदे जानवर दुनिया भर की लतें पड़ी रहती हैं, अगर कहो तो मानते नहीं, कोई कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता? नहीं आते तो हैं, आते हैं रोज आते हैं, कभी 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 भीच करके आते हैं। तो रोज आते हैं तो फिर इतनी गंदगी यहाँ पे क्यों है? अब हम क्या बताएं, लोग डाल जाते होंगे हमें नहीं मालूम है। अच्छा ये बताइए कि डेंगू के लिए दवा का छिड़काव वगैरह हुआ था? नहीं दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। धुआं वाली मशीन आई थी? इधर नहीं आती, उधर ही से चली जाती है। उधर ही चली जाती है? अंदर गली तक नहीं? नहीं गली तक नहीं आती कभी। कितने दिन में आती है? अरे अभी 2-3 दिन हुआ तब आई थी, उसके बाद नहीं आई है, उससे नहीं आई है, उधर उधर चली गई थी। और क्या समस्या है? अरे यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, दुनिया भर की गंदगियाँ बाहर सब तरफ लते फैली पड़ी है, अच्छा नहीं लगता अपने को, घर के सामने सब गंदगी अच्छी लगी घोली आपको, इसी मारे जो है तो बहुत ही दिक्कतें। अच्छा, हैं ये बताइए कि जो यहाँ से पार्षद चुनी गई है वो भी एक महिला है जी, ठीक, और आप भी एक महिला है जी, तो आप लोगों ने जब अपनी समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने क्या कहा? हम तो गए नहीं थे, और लोग गए थे तो जो है मतलब आए थे, कुछ लोग आए थे सफाई वफाई करवा गए थे, उसके बाद से जब से कुछ आते हैं हो गए होंगे 2 महीने करीब। 2 महीने पहले सफाई कर रहे थे, उसके बाद नहीं आए जाते? नहीं उसके बाद उधर से तो कोई नहीं आया है, पर आते लोग हैं। पार्षद जी जो हैं वो क्षेत्र में आती हैं, जनता से बातचीत करती हैं? नहीं वो तो नहीं आई हैं। वो नहीं आती? हाँ वो नहीं आती हैं, हमने देखा ही नहीं आज तक। आप तक देखा ही नहीं? अब फिर हम तो कमरे के अंदर रहते हैं, आती होंगे तो हम जानते भी नहीं हैं, ये तो ये बात है, जब बाहर नहीं निकलते जाते ना। तो इस समय हम अयोध्या दास द्वितीय वार्ड में हैं और आपको इस वार्ड की सारे विकास कार्यों को दिखा रहे हैं कि कितना विकास इस वार्ड में हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो रास्ता जो है किस तरह से कच्चा रास्ता है, काफ़ी जर्जर रास्ता है, कितनी जो है यहाँ पे गंदगी है, आप देख सकते हैं किस तरह से नालियाँ किस तरह से बजबजा रही हैं। ये हाल है अयोध्या दास वार्ड द्वितीय का। यहाँ की जनता जो है वो डेंगू से परेशान है, पूरी तरीके से बीमारियों से त्रस्त है यहाँ की जनता, और जो यहाँ की पार्षद हैं जनता की समस्या का कोई निस्तारण नहीं कर रही हैं, ना ही वो क्षेत्र में आती हैं, यहाँ तक कि जनता को उनकी शक्ल की भी पहचान नहीं है, जिससे आप जान सकते हैं कि वो क्षेत्र में आती ही नहीं है। इस तरह के हमने आपको अयोध्या दास वार्ड द्वितीय की कवरेज की, यहाँ की जनता से जाना कि कितना विकास इस वार्ड में हुआ है, उनकी समस्याओं को सुना दिखाया आपको। नगर के इस संग्राम के कवरेज के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।